डिस्कस करिबा कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग एंड फेजेस ऑफ टीचिंग। सो फर्स्ट डिस्कस करिबा कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग। कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग रे जदी एग्जाम रे मीनिंग ऑफ टीचिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, फंक्शन ऑफ टीचिंग जहाँ भी आसिले तर से गोटे ही आंसर आपण लिखिबे। तो देख चलो डिस्कस करिबा। एवरी टीचर एंड एजुकेशनिस्ट नोज दैट इवन द बेस्ट करिकुलम एंड बेस्ट परफेक्ट सिलेबस रिमेन डेड अनलेस इफ देयर इज नो राइट मेथड ऑफ टीचिंग एंड द राइट काइंड ऑफ टीचर। जेपर्यंत सठिक गोटे राइट काइंड ऑफ टीचर एवं गोटे गुड मेथड ऑफ टीचिंग जेपर्यंत न बाहरी से पर्यंत जिते भल सिलेबस परफेक्ट सिलेबस होना कहीं जिते बेस्ट करिकुलम होना कहीं से सबुगुड़िक लगे जमीका डेड टाइप मृत टाइप। सो विदाउट गोटे भल टीचर एवं विदाउट ए गुड मेथड ऑफ टीचिंग बिना कौन सी शिक्षा कौन सी एजुकेशन सिस्टम डेवलप हो पार ना। तेणु गोटे एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करने दुटा जिनस दरकार गोटे हूँ बेस्ट टीचर एंड बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग। ओके सो बर्तमान पढ़ा टीचिंग एज ए प्रोसेस व्हिच यूजुअली हैपेंस इन द क्लासरूम सिचुएशन जानचे आम। सो क्लासरूम सिचुएशन में सब प्रकार टीचिंग ही होता है। इट इज ए फॉर्मल प्रोसेस टू टीच ए स्टूडेंट फॉर द नॉलेज और कॉग्निटिव डेवलपमेंट। गोटे स्टूडेंटर नॉलेज डेवलपमेंट बा तार कॉग्निटिव बौद्धिक विकास पाई एटा गोटे टीचिंग हूँ गोटे फॉर्मल प्रोसेस। इन द क्लासरूम सिचुएशन ले वी सी दैट द टीचर हैज समथिंग इन हिज माइंड एंड ही वांट्स टू कन्वे इट टू द स्टूडेंट्स। टीचर माइंड रे किसी ना किसी रही था से स्टूडेंट मान को कन्वे करने से चाहता। फॉर दिस पर्पज यही उद्देश्य पर ही बा द टीचर टेक्स द हेल्प ऑफ टीचिंग टीचिंग साहय निना टीचिंग द्वारा से जहाँ भी किसी नॉलेज अच्छे से टीचिंग थ्रो रे गोटे स्टूडेंट को प्रोवाइड करेंगे। द टीचर मेक्स ऑल एफर्ट्स टू मेक द स्टूडेंट अंडरस्टैंड। गोटे टीचर सब प्रकार चेस्टा करते टीचर गोटे स्टूडेंट को बुझेपी। इट इज सेड दैट एटा कह जाए हिज टीचिंग इज सक्सेसफुल इफ द स्टूडेंट आर एबल टू ग्रास्प इट फुल्ली। जिते बड़े गोटे स्टूडेंट टीचर जो नॉलेज को टीचर जो नॉलेज प्रोवाइड करती गोटे स्टूडेंट को स्टूडेंट जिते से नॉलेजा को फुल्ली ग्रास्प फुल्ली बुझी जाए से टीचर टी सक्सेसफुल तार टीचर जो टीचिंग सक्सेसफुल हुए आम कही था। थ्रो टीचिंग द टीचर एम सेड दिज फलोईंग थिंग्स। तेणु टीचिंग साहय टीचर यही सब जिनस सी एम्स रखी थे लक्ष्य रखी थे कौन ना फास्ट तार एम रहा दरकार टीचर जे गिविंग सम नॉलेज टू स्टूडेंट स्टूडेंट को किसी नॉलेज देवा दरकार। पासिंग सम इनफर्मेशन टू स्टूडेंट स्टूडेंट को नॉलेज पास करवा दरकार। मेकिंग द स्टूडेंट्स गेट सम स्किल स्टूडेंट को किसी स्किल शिखेवा दरकार। मॉडिफाइंग देयर बिहेवियर ऑफ द लर्नर लर्नर बिहेवियर को मॉडिफाई करवा दरकार टीचिंग गोटे एम रहा दरकार। गिविंग सर्टेन एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ सो दैट द स्टूडेंट लर्न न्यू एक्सपीरियंस। जे किसी नुआ नुआ एक्सपीरियंस जीवन किसी एक्सपीरियंस को पिला मानक शिखेवा दरकार जहाद्वारा कि स्टूडेंट किसी नुआ नुआ एक्सपीरियंस शिखी पार। पुणी कहला देखो अकॉर्डिंग टू रवींद्रनाथ टागोर को मतरे ए टीचर कैन नेवर ट्रुली टीच अनलेस ही इज स्टिल लर्निंग हिमसेल्फ। जेपर्यंत गोटे टीचर निजे न शिखी से अन्य जन को शिखे पार ना। सो गोटे एक्जाम्पल दिखाई ए लैंप कैन नेवर लाइट अनदर लैंप अनलेस इट कंटिन्यूज टू बर्न इन इट्स ओन फ्लेम। जेपर्यंत गोटे बत्ती गोटे लैंप सी अन्य लैंप को जलई पार नहीं जेपर्यंत निजे तार बत्ती को न जलई। तो यह गोटे एक्जाम्पल दिखाई बर्तमान पढ़ा किसी कैरेक्टरिस्टिक ऑब्जेक्टिव्स अच्छी से बुक्रे अच्छे देखिपर। नेक्स्ट पढ़ा फंक्शन ऑफ टीचिंग टीचिंग कौन फंक्शन रही तीन टा तार फंक्शन रही बहुत इंपोर्टेंट। फर्स्ट हूँ डायग्नोस्टिक फंक्शन नेक्स्ट प्रेस्क्रिप्टिव फंक्शन और लास्ट हूँ इवालुएटिव फंक्शन। डायग्नोस्टिक फंक्शन मीन कौन जानपर थे जो टीचर गोटे जिनस को डायग्नोस चिन्ह पार चिन्ही पार्ला से प्रेस्क्राइब कर प्रेस्क्राइब कर सारा लास्ट हूँ इवालुएट मूल्यांकन कर। सो द गोल इज टू बी ब्रिंग डेस्क्राइब बा डिजायरेबल चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट। यहाँ हूँ डायग्नोसिस प्रोसेस। प्रेस्क्रिप्टिव प्रोसेस कौन मुझे कहली प्रेस्क्रिप्टिव प्रोसेस फंक्शन से जो डायग्नोसिस कर सारापर गोटे स्टूडेंट तार प्रोब्लेम को डायग्नोसिस कर सारापर चिन्ह सारापर से प्रेस्क्राइब कर लास्ट इवालुएट कर। एवं पढ़ा फेजेस ऑफ टीचिंग कौन नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट। द एक्टिविटीज इन टीचिंग कैरी स्पेशल इंपोर्टेंस। जे टीचिंग रे किसी एक्टिविटी अच्छे जोटा कि बहुत तार इम्पोर्टेंस बहुत बहुत गुरुत्वपूर्ण बहुत क्रुशियल। इट्स मेन कॉज इज दैट यार मुख्य कारण हूँ थ्रो दिज एक्टिविटीज यही एक्टिविटी द्वारा द पुपिल्स गेट
मच एसिस्टेंस इन लर्निंग। यही जो एक्टिविटी द्वारा गोटे स्टूडेंट कौन करे ना तार लर्निंग रे बहुत साहय मिलता है। टीचिंग इज ए कम्प्लेक्स टास्क हम जानचे, सो ए सिस्टमेटिक प्लान इज नीडेड। तेना गोटे सिस्टमेटिक प्लान दरकार। टीचिंग इज टू बी कन्सीडर्ड इन टर्म्स ऑफ वेरियस स्टेप्स एंड द डिफरेंट स्टेप्स कन्स्टिट्यूटिंग द प्रोसेस आर कॉल्ड द फेजेस ऑफ टीचिंग। तेणु गोटे टीचिंग देवाई हेल्ले तार विभिन्न प्रकार स्टेप्स रही है और से स्टेप्स को आम कौन कह फेजेस ऑफ टीचिंग। तेणु तार तीन टा स्टेप अच्छी देखो। फर्स्ट स्टेप कहला जाए प्लानिंग, प्लानिंग पर आस एक्जिक्यूशन, एक्जिक्यूशन पर आस रिफ्लेक्शन। सो प्लानिंग कौन ना प्लानिंग हूँ प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। मीन गोटे प्लानिंग सर्ट में शुणु जो गोटे टीचर क्लासरूम को एंटर करने पूर्व से जो जो सब प्लान करें कहें प्लानिंग। एक्जिक्यूशन कत हुए जो क्लासरूम एंटर कर सारापर एवं रिफ्लेक्शन हुए कैसे से लास्ट टाइम जो तार कनक्लूजन काढ़े। सो प्लानिंग कौन ना प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। सो इन दिस इन दि फेज ऑफ प्लानिंग टीचर परफॉर्म सम एक्टिविटी, टीचर किसी एक्टिविटी करें बिफोर क्लासरूम टीचिंग और बिफोर एंटरिंग द क्लासरूम। हेन्स फॉलोइंग एक्टिविटीज आर इनक्लूडेड इन द प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। कौन कौन रही है फास्ट टीचर कौन करे जितने क्लासरूम को जीवा पूर्व से कौन करे ना फास्ट फिक्सेशन ऑफ गोल्स किसी कौ टॉपिक पढ़े ताप से फिक्स करे। डिसीजन मेकिंग अबाउट द सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट को से बाछिक से डिसीजन करे। अरेंजिंग द एलिमेंट्स ऑफ कंटेंट फॉर प्रेजेंटेशन, जो जिनस को नहीं क्लास प्रेजेंट कर किसी एलिमेंट अरेंज करे। डिसीजन अबाउट स्ट्राटेजी ऑफ टीचिंग, कौ स्ट्राटेजी से टीचिंग कर डिसीजन निये। एवं लास्ट रोज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टीचिंग स्ट्राटेजी, जो टीचिंग स्ट्राटेजी को से डिस्ट्रीब्यूट करे। सेकेंड रे आसीबो प्लानिंग गला पर आसीबो एक्जिक्यूशन। एक्जिक्यूशन कौन कहली जे इंटरएक्टिव फेज ऑफ टीचिंग मीन्स इन द एक्जिक्यूशन और इंटरएक्टिव फेज ऑफ टीचिंग व्हेयर ऑल दोज एक्टिविटीज आर इनक्लूडेड और परफॉर्म बाय टीचर आफ्टर एंटरिंग द क्लास। क्लासरूम में पशि सारा पर जो जो एक्टिविटी सब टीचर करे ताकू कहे आम एक्जिक्यूशन। दस इट मीनस इम्प्लीमेंटेसन अफ सम एक्टिविटीज अन् स्टूडेंट, स्टूडेंट मानक किसी जिनस को इम्प्लीमेंट करवा किसी जिनस को अप्लाय करवा क्लासरूम में पशि सारापर एंटर कर सारापर तो दैट इज कॉल्ड एक्जिक्यूशन। पुणे ये कहला जे फर्दर इन एक्जिक्यूशन, एक्जिक्यूशन देर आर सम फलोईंग एक्टिविट कि फलोईंग एक्टिविटीज अच्छी। फास्ट कौन कर गोटे टीचर क्लासरूम एंटर कर सारापर ना सैजिंग अफ द क्लास, क्लासरूम को से सैज कै। नेक्स्ट डायग्नोसीस अफ द लर्नर, लर्नर को से चिन्ह डायग्नोसीस कै। एंड एक्शन एंड रिसर्च ऑफ अचीवमेंट, किसी एक्शन एंड रिसर्च कर अचीवमेंट करने पीछे पुणी पांच भाग विभक्त कर प्रथम सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट मानक सिलेक्शन करे। प्रेजेंटेशन ऑफ टू स्टूडेंट, स्टूडेंट मानक से प्रेजेंटेड करे। फीडबैक फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट मानक पाखु से किसी फीडबैक आने। रीइन्फोर्समेंट टू स्टूडेंट, स्टूडेंट मानक स्ट्रेंथन कराए। लास्टली डिप्लॉयमेंट और करेक्शन ऑफ स्ट्रेटेजीज, जो स्ट्रेटेजी अच्छे से करेक्ट कराए। सो यू शुड कीप इन माइंड दैट आम माइंड में ये रखा दरकार जे इन द इंटरेक्टिव स्टेज, इंटरेक्टिव स्टेज रे दीज एक्टिविटीज आर कैरिड नॉट ओनली बाय द टीचर बट ऑल्सो कैरिड बाय द पुपिल्स ऑल्सो। दैट मीन्स केवल जो ये इंटरेक्टिव बाय जो सेकेंड फेज रे गोटे टीचर कौन करा दरकार गोटे जे सबकि एक्टिविटी केवल टीचर उपर डिपेंड न मानने करवाटा उचित नुह, स्टूडेंट मानक डिपेंड करा दरकार। उभय टीचर एंड स्टूडेंट दुई जन से रोल को प्ले करवा दरकार। सो द पुपिल्स अल्सो फिल एंड डायग्नोसीस दैट मीनस गोटे टीचर जितेबाला गोटे जिनस को डायग्नोसीस कर, डायग्नोसीस कर सारापर गोटे स्टूडेंट ही डायग्नोसीस करवा दरकार। दैट मीनस ये गोटे गोटे स्टूडेंट गोटे एक्टिव लर्नर होगा दरकार। सो इट्स प्रेजेंटेशन सुड बी एज यार प्रेजेंटेशन केमती रहा दरकार ना फास्ट टीचर कौन करवा दरकार ना परसेप्शन फास्ट कर डायग्नोसीस करके रेस्पन्स दब से भाया स्टूडेंट परसेप्शन कर डायग्नोसीस करके रेस्पन्स दब। एवं लास्ट फेज रे कहला जे रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन कौन ना पोस्ट एक्टिव फेज लास्ट रे जो कंक्लूजन हुए था पोस्ट एक्टिव फेज इज कंसर्न विद इवैल्यूएशन। इन दिस फेज द टीचिंग टास्क फिनिशेस, टीचिंग टास्क जो टास्क फिनिश हुए टीचर रो। द टीचर आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम पुपिल्स, किसी क्वेश्चन पचारे वर्बली हो रिटेन फॉर्म हो टू मेजर द बिहेवियर ऑफ द पुपिल्स, पुपिल मानक बिहेवियर को मापिबा मेजर करिया सो दैट देयर अचीवमेंट मे बी इवैल्यूएटेड करेक्टली, जहाँद्वारा कि केते अचीव करिसेंति सेही अचीवमेंट को करेक्टली भाव में आम इवैल्यूएट कर पारिबा। तेणु इवैल्यूएशन को आम कह कौन ना रिफ्लेक्शन, लास्ट को जो मूल्यांकन करवा जे केते पढ़ेले एवं से स्टूडेंट केते अचीव कला लास्ट को इवैल्यूएट करवा सेटा हो पोस्ट एक्टिव फेज बाय रिफ्लेक्शन। सो देर आर सम फॉलोइंग पोस्ट एक्टिविटीज अच्छी जमीका कि फास्ट कला डिफाइनिंग द एक्जाक्ट डायमेनसन अफ द चेंजेस कॉज्ड बाय टीचिंग, जे टीचिंग द्वारा केते एक्जाक्ट डायमेनसन होती है विषय में जाना।
सेकेंड कहला सिलेक्टिंग एप्रोप्रिएट टीचिंग और टेस्टिंग डिवाइस एंड टेक्निक्स एवं लास्ट कहला जे चेंजिंग द स्ट्रेटेजीज इन टर्म ऑफ एविडेंस गैदर्ड।